पांच मैचों में ही रोहित ने बना दिया ये शर्मनाक रिकॉर्ड। बराबरी करने के लिए चाहिए जिगरा। जी हाँ दोस्तों, इंदौर में खेले गए वार्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 विकेट से हराकर सीरीज में जीत का खाता खोला। पहले 2 टेस्ट मैचों की तरह ही ये मुकाबला भी 3 दिन के अंदर ही खत्म हो गया। फर्क था तो बस जीतने का। इंदौर टेस्ट में हार के साथ ही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने नाम एक बेहद ही अनोखा और शर्मनाक रिकॉर्ड कर लिया, जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने जैसे ही तीसरा टेस्ट मैच हारा, तुरंत कप्तान के नाम एक बेहद ही खराब रिकॉर्ड हो गया। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट का 71 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर अपना नाम दर्ज कर लिया। रोहित शर्मा भारत के पहले ऐसे टेस्ट कप्तान बन गए हैं जिन्होंने अपने ही घर में खेलते हुए सबसे कम गेंदों में कोई टेस्ट मैच हारा है। इससे पहले यह कारनामा विजय हजारे की कप्तानी में कानपुर में हुआ था। रोहित शर्मा के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।